शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है। 1 2 साल 2019, इंडियन कार मार्केट में मिड साइज एसयूवीज का अराइवल हो चुका था, जहां इको स्पोर्ट, ब्रेजा और नेक्सन जैसी गाड़ियां पब्लिक से अपना लोहा मनवा रही थी, वहीं ह्यूंडई की एक गाड़ी इस सेगमेंट में प्रीमियमनेस का एक अलग लेवल सेट करने वाली थी। ह्यूंडई वेन्यू अपने शानदार इंटीरियर और प्रीमियम लेवल फीचर्स के साथ मार्केट को बदलने आ रही थी, और इस बार 2022 में ह्यूंडई इज डूइंग इट अगेन, चाहे वो उसके टर्बोचार्ज इंजन हो या फिर उसके प्रीमियम लेवल फीचर्स। देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन विद द ह्यूंडई वेन्यू, तो आइए देखते हैं इसे क्या बेहतर बनाता है बाकियों से। हमारे इस तीसरे पॉडकास्ट में करते ह्यूंडई वेन्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने उसका फीचर देखा, वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी किसी इंसान ने, उसमें आ गई है हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। तो मतलब इस ह्यूंडई सेगमेंट में बहुत बड़ी चीज है। लाइक सच अ ब्रेक थ्रू थिंग। बात वही है ना कि जैसे होंडा में, टोयोटा में अभी तक भी वायरलेस चार्जिंग नहीं आई है गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में अब ब्रेजा, ब्रेजा में और विटारा में आ रही है, आने वाली है। मारुति ने फिर भी सोचा है थोड़ा सा, आई थिंक सुजुकी ने टेक फीचर्स देने शुरू करे हैं, एचयूडी दे दी। आई थिंक ब्रेजा में नहीं है, विटारा में आएगी। सुजुकी में आ रही है, टोयोटा में भी हाई राइडर में तो है, बट इससे पहले नहीं आ रही थी। और होंडा ने इससे तो पहले अभी नहीं, होंडा के तो कोई प्लान्स नहीं प्लान है इन सब चीजों के बारे में बात करने के भी, आई थिंक। बट नहीं। ह्यूंडई की जो एक अमेजिंग चीज रही है शुरू से, वो ये तो है कि फीचर्स में वो लेके आते हैं कि मतलब सेगमेंट पूरा चेंज हो जाता है, फिर कॉम्पिटिटर्स को करना पड़ता है क्योंकि आई थिंक ये मतलब कोरियंस का ना, कोरियंस का डीएनए है ये। जैसे आप और भी कोई हाँ कोरियंस कंपनी देख लो, कोरियन कंपनी देख लो, जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग भी बहुत ना ऐसे कैची फीचर्स लेके आते हैं अपने फोन्स में, तो वही चीज फॉलो कर रही है ये ह्यूंडई भी, कि वो ये भी एक बहुत फीचर लोगों अच्छी को बात चार्ज तो है दे रहे। वैसे। हाँ क्योंकि ये सारे फीचर्स मैंने एक बार केवल मर्सिडीज में देखा था, एक बार बैठा था मर्सिडीज में उसमें देखा था, बीएमडब्ल्यू में बैठा था उसमें देखा था। कैमरी में आता है, कैमरी 50 लाख की कैमरे में गाड़ी है, आता बट है। कैमरी में आता है, नहीं फॉर्च्यूनर में तो कुछ भी नहीं आता। स्कॉडा तो पता ही है, मतलब ठीक है वो तो है ही चीज, 20 लाख से कम की गाड़ियों में थोड़ी करती होगी। सुपर में और ऑक्टाविया में तो डेफिनेटली है, वो तो पता है। बट और ह्यूंडई जो टॉप मतलब मॉडल में आती तेरह होगी। बारह तेरह 14 लाख की गाड़ी के अंदर ह्यूंडई दे रहा है, तो ये बहुत अलग चीज है कि बेसिकली वो फीचर, मतलब कोई ना कोई ब्रांड तो ऐसी होती ही है जो आपके पास वो फीचर्स लेके आए जो कि आप सोचते थे कि मेरी गाड़ी में कभी होगा, बट क्या मेरे पास वो गाड़ी होगी जिसमें वो फीचर है और वो तो फीचर अब मतलब इसमें आ गया है। हाई एंड फीचर्स को एक्सेसिबल बना रही है ये। मुझे फिर उसके बाद लगा कि करनी ही पड़ेगी ह्यूंडई वेन्यू के बारे में बात, हमें करनी चाहिए। ह्यूंडई थोड़ा रिवोल्यूशन इस चीज में हमेशा से, ह्यूंडई इनफैक्ट किया भी एयर प्योरीफायर, आईएमटी और ये सब चीजें, मतलब टुवर्ड्स एन एक्सपीरियंस लीड कर रहे हैं, तो जिसको पसंद है वो सब चीजें उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, काफी लोग जिसको अट्रैक्ट भी चाहिए होंगे। वही, जिसको चाहिए अपनी गाड़ी में कि मेरे को फीचर चाहिए, बढ़िया फीचर चाहिए, मतलब मुझे चाहिए अल्टीमेट एक्सपीरियंस कि मैं हर बार बैठूं तो मुझे एक एनवायरनमेंट, केबिन एनवायरनमेंट अलग मिले, केबिन का एक्सपीरियंस अलग मिले, उसके लिए छोटे बजट में दे आर ऑफरिंग अ लॉट। बाहर से देखने में तो फेसलिफ्ट तो डेफिनेटली है, पीछे से टेल लाइट इज बिल्कुल। कम्प्लीटली डिफरेंट, फ्रंट ग्रिल भी कर दी और थोड़ी सी क्रेटा जैसी लगती है मुझे तो फ्रंट ग्रिल अभी उसकी जो लास्ट वेरिएंट था क्रेटा का, टेल लाइट जो वो करा है, कंटिन्यूटी जो करी टाइगुन जैसी लगती है रियर टेल लाइट तो उसकी बहुत ज्यादा, मुझे अच्छी भी है और अट्रैक्टिव है, बट मुझे हमेशा वेन्यू देख के लगता था यार क्या छोटी गाड़ी है, उसमें इंजन जो ऑप्शन था वो वही था, I20 वाला नेचुरली i20 एस्पिरेटेड वाला था। हाँ अब उसमें 1 लीटर टर्बो 1.2। आ रहा है, 1.5 डीजल में आ रहा है। तो अब इंजन ऑप्शंस उन्होंने अच्छे कर दिए जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, और एक हाँ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक वो चाहिए उनको, सब 4 मीटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो उनके लिए वेन्यू काफी अच्छी कार है, और उन्हें फीचर्स भी दे दिए, परफॉर्मेंस चाहिए तो 1 लीटर इंजन में उनका 121 bhp आ रहा है, टर्बो है, डीजल की परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसमें। डीजल की परफॉर्मेंस भी, डीजल तो खैर हुंडई का इंजन सब बोलते हैं कि बेटर है पेट्रोल से, तो
और एक चीज और है, डीसीटी इस बार जो आया है, डीसीटी आया है सेकंड जेन वाला, तो वो और रिफाइंड है और वो और ज्यादा स्मूदर ट्रांसमिशन है। ले किसी और में है ये डीसीटी या नहीं नहीं फर्स्ट नहीं इसमें हाँ आया? इसमें आया फर्स्ट, इसमें आया फर्स्ट इसी कार में, वेन्यू में ही आया था। सिम वाला जो फीचर था यार, क्या क्या नाम था उसका, सिम बेस्ड कनेक्टिविटी थी इसमें वेन्यू के अंदर। और अब इसमें एलेक्सा भी आ गया है, तो एलेक्सा होंडा सिटी थी पहली गाड़ी इंडिया में जिसमें एलेक्सा आया था। आप एलेक्सा से आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी गाड़ी, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो कि टायर प्रेशर कितना है, लोकेशन क्या है, हेडलाइट्स ऑफ है सारी, लॉक्ड है गाड़ी, और बूट वगैरह ओपन तो नहीं है कुछ। और ऑटोमेटिक में मेरे ख्याल से वो फीचर, क्योंकि होंडा सिटी में तो है कि आप एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो कि सनरूफ खुल जाए और सारी विंडोज खुल जाए ताकि कूल डाउन हो जाए कार थोड़ी सी। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है वेन्यू में, वो जो उन्होंने इनबिल्ट साउंड्स डाले हैं स्टीरियो में बैकग्राउंड। मैं उस पे आने वाला था, वो बहुत ज्यादा अच्छा पैक है वो। हमेशा यूज नहीं होगा ये फीचर, बट किसी किसी टाइम जैसे इंसान थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता है ड्राइव करते टाइम, तो बारिश का साउंड चला दिया और ओशन का साउंड चला दिया। ऑल तो ये सब मिल जाता है यूट्यूब पे, बट वो ये ना कि आप यूट्यूब पे सेट करोगे, ढूंढोगे पहले ये सब। अभी ये सब हाँ एलेक्सा से ऑटोमेटिक। कंट्रोल्ड है, अभी आपके फोन में जो भी वॉइस असिस्टेंट है, गूगल है तो ओके गूगल, या फिर सीरी है, या फिर विंडोज तो आई डोंट थिंक कोई यूज करता है अब। बट विंडोज इन एनी केस आप सीरी और ओके गूगल से आप बोल सकते हो ना कि वो सेट कर दे तो हो जाएगा, रादर देन यू सर्च लाइक आप गाड़ी पार्क करो, फिर सर्च करो, फिर वो प्ले होगा, फिर आप मतलब रिलैक्स करने के मूड में आपको और काम नहीं करना पड़ेगा, आप बस बोलोगे डू इट फॉर मी, द कार विल डू इट फॉर यू। ये चीजें हैं अच्छी, काफी अच्छी चीजें हैं ये। इंटीरियर में भी डैशबोर्ड चेंज किया है, डुअल टोन में है, और जैसा मैंने बताया था आपको भी एक बार बात कर रहे थे हम जब, कि सेल्टॉस में बहुत ज्यादा ग्रे टाइप का है इंटीरियर, मतलब अपहोल्स्ट्री जो है, बट वो ग्रे एग्जैक्टली है नहीं। और जैसा मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक जो ईएचईवी जो होंडा सिटी आई है उसमें भी थोड़ा सा वैसा है, मुझे आज पता लगा उसकी टर्म क्या है, ग्रेज, ग्रे प्लस बेज। तो ये हुंडई की अपनी टर्म है ग्रेज, और ये इनका इंटीरियर है इस बार, अपहोल्स्ट्री जो है पूरी। ये आई थिंक तो इन्होंने फेसलिफ्ट जो इंट्रोड्यूस किया है वेन्यू, ये उसको मैच करने के लिए किया है जो किया की सोनेट है। सोनेट में भी है, सेल्टॉस में भी है, और अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम फील आती है, लेदर में तो बहुत अच्छी फील आती है इसको देख के। और क्या न्यू फीचर इसमें है? एयर प्योरीफायर है इसमें इनबिल्ट, मतलब रिमूवेबल ठीक है है रिमूवेबल पहले। नहीं है वो, पहले वो कप होल्डर में स्पेस लेता था, वो मेरे जीजा जी की गाड़ी में है वो स्पेस लेता था, अब वो स्पेस नहीं लेगा, अब वो इनबिल्ट है गाड़ी में। तो बेसिकली आर्म रेस्ट के अराउंड उन्होंने सेटअप किया है उसको, देख सकते हो यहाँ, और काफी क्लीन है। बट हाँ वेंटिलेटेड सीट्स दे सकते थे जैसे कि XL6 वगैरह में भी आ गई, अब तो वो सोनेट इन्होंने में नहीं भी दिए है। हैं। सोनेट में भी है, हाँ सोनेट में है वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी इन्होंने। हाँ ये तो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग है कि आप इतने हाईटेक फीचर्स दे रहे हो और यस जो यस फीचर इतने सालों से चला आ रहा है और जो प्रैक्टिकल भी है, बहुत प्रेफर करते हैं वेंटिलेटेड सीट्स को, वही, ऊपर से स्पेशली गर्मी, यार गर्मी में लगती है हॉट। जरूरत, हमारी गाड़ियों में नहीं है कमी लगती है, दिल्ली में ड्राइव करते हो लगता है यार एकदम, स्पेशली कमी लगती है। मतलब अगर या तो लेदर सीट्स हैं आपकी, तो। हाँ हाँ लेदर सीट्स में, या तो कार आपकी छाया में खड़ी होनी चाहिए, अगर धूप में खड़ी है तो ऑब्वियसली आपको वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए। छाया में खड़ी करने के बाद भी गाड़ी में गया हूँ जैसे ड्राइव करके, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस है 40-50 किलोमीटर भी अगर ड्राइव करना पड़ रहा है, धूप है एंड एसी चल रहा है गाड़ी में, ठंडक है, बट जो बैक है और जो सीट है उसमें कांटेक्ट इतना ज्यादा है, स्पेस नहीं है हाँ और वो फिर तो इसलिए फिर स्वेट करना शुरू कर देता है, ब्रीदेबिलिटी कंसर्न होता है। इसलिए थोड़ा आगे आगे हो गया, आप थोड़ा कोशिश करते हो कि कुछ हो, बट वेंटिलेटेड सीट्स तो ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होती है इसमें, ठीक है। बट मेन बात यह है कि हुंडई के फैन बॉयज फैन गर्ल्स काफी हैं, काफी लोगों को हुंडई पसंद है हमेशा से। करोल बाग से जाके लगवा लेंगे वेंटिलेटेड सीट्स। करोल ओ ये भी हो रहा है आजकल बाग में सब कुछ होता है, वो वेन्यू को क्रेटा बना।
ये मुझे पता ही नहीं था कि वेंटिलेटेड सीट्स ऐसे लग सकती हैं, ये मैंने सोचा ही नहीं कभी। और क्या लग सकता है जो मतलब मुझे नहीं पता? वो जो कुछ दिन हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो जो IMT था। हाँ IMT लग सकता हाँ, है, IMT नहीं, वो जो मैंने लिंक भेजा था एक बार आपको, ऑटोमेटिक वाला जो था, ऑटोमेटिक मैकेनिकल। क्लच, उसकी भी बात करेंगे उसको। वो बहुत मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी वो। ऑटो क्लच कुछ नाम था उसका, और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसकी। मैंने रिव्यूज भी देखे कि इनफैक्ट गियर लीवर पे आपको एक स्विच मिलेगा, उसको प्रेस करो, बहुत लाइट स्विच, क्लच गाड़ी में आपको यूज, क्लच है गाड़ी में, चाहो तो यूज कर लो, बट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो उसको आप जस्ट प्रेस करो एंड गियर चेंज करो इजीली। एंड सबसे बड़ी बात, फर्स्ट गियर में IMT की तरह वो होल्ड करेगा ट्रैफिक, कुछ करना ही नहीं है, विच इज अमेजिंग। बहुत अमेजिंग टेक था ये। हाँ, खैर ये तो करोल बाग वाली, करोल बाग तो है स्पेस ही, करोल बाग तो फेमस है इस चीज के कितना है लिए। तुम्हारा उसका? स्पेस वैसा सही है, ऑलमोस्ट नॉट मच डिफरेंस, थोड़ी एयरी मे भी लग सकती है, ऑब्वियसली सनरूफ से थोड़ा और फील बेटर वाला फैक्टर आ जाता है, बट बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, जैसे पहले भी वेन्यू में पीछे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। अगर आप, मैं जैसे लंबा हूँ, जो 6'3" मेरी हाइट है, तो फिर अगर किसी, अगर ड्राइवर ने सीट पूरी पीछे करी हुई है तो बहुत दिक्कत होती है, उसके पीछे बैठने में तो काफी चैलेंजिंग है। मतलब I-20 जितना ही स्पेस है इसमें। I20 से तो थोड़ा ज्यादा, I20 में तो अब काफी कम स्पेस, पहले तो ठीक था, अब तो काफी लेंथ कम है दोनों की I20। सेम है। हाँ मतलब स्पेस बहुत ज्यादा बेस्ट चीज नहीं है वेन्यू के बारे में अभी, रियर सीट स्पेस। बट अगर आपकी फैमिली में सब लोग एवरेज हाइट में हैं, 5'5" 5'6", तो मेरे ख्याल से इट विल बी फाइन फॉर स्पेस भी इसका उतना ही होगा सेम, या उसमें भी बूट कुछ स्पेस। हाँ बूट एनहांस। स्पेस में भी कुछ एनहांसमेंट्स ऐसे हैं नहीं, चेंजेस। इंटीरियर साउंड मेरे ख्याल से थोड़ा अपग्रेडेड है, उसके बारे में मैंने ज्यादा रिसर्च करी नहीं, बट देखते हैं, वो भी देख के कुछ ना कुछ वील मेक समथिंग अबाउट इट। बट हाँ मेन जो हाईलाइट्स हैं वो तो आओ, जो एक्सटीरियर लुक है वो इसकी काफी फेस लिफ्टेड, काफी चेंज है, थोड़ी थोड़ी क्रेटा जैसी है थोड़ी, और पीछे से तो टाइगन जैसी है ही, और उसके बाद ये डुअल टोन जो है, ग्रेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इंटीरियर्स में, डैशबोर्ड लेआउट, और इंजन के ऑप्शन जो है वो मुझे काफी सही लगे कि ठीक है, मतलब हर किसी के लिए कुछ कुछ दिया है, कि जिसको डीजल पसंद है पसंद है, या फिर जरूरत ही है किसी की डीजल, अगर माइलेज चाहिए, रनिंग ज्यादा है या जो भी, तो उसके लिए डीजल में 1.5, बेसिकली 1493 cc का इंजन है, और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हिंडे जो है वो मार्केट को समझती है, भले उसके इनके प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली जो है अडेप्ट वो, करती है। हाँ हाँ, भले उनके प्रोडक्ट सुपीरियर नहीं है, उनके इंजन सुपीरियर नहीं है, बट वो मार्केट को समझती बट है, वो वो ट्राई एक चीज करती पे कंट्रोल एटलीस्ट कर रही है, हाँ, कि उसको पता है कि इंडिया में अभी क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सेप्ट करना, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है कि हुंडई जो कर रही है कस्टमर्स के लिए इंडिया में, आई थिंक है। वो अपनी पावर में बेस्ट चीज फिलहाल कर रही है। अब अगर इंजन उनसे नहीं उतना, बेसिकली पेट्रोल में अगर उनका ऐसा नहीं है, हाँ, R&D की जरूरत है उनको। हाँ तो ठीक है, बट आई ये भी थिंक तो है दोनों ना में कि उनको जरूरत है, टर्बो में भी और नेचुरली एस्पिरेटेड में भी। इन दोनों में उनको R&D की भी जरूरत है, क्योंकि इनके हाँ बिल्कुल टर्बो इंजन मैच भी, टर्बो नहीं कर पाते हैं। पोलो GT का टर्बो आप यूज करो, आप यू विल बी ब्लोन अवे, वो अगर आप आपको सीधे पीछे धकेल देती है। ऑन पेपर देखो तो पोलो है 109 BHP और I-20 टर्बो है 120 BHP। बट और ये सबको पता है कि क्या, कौन सी गाड़ी क्या कर सकती है, ये तो बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रॉन्गर है, मतलब उसके डोर्स इतने, अलग ही चीज है यार, फोक्सवैगन की बात है, बट हाँ ठीक है, अभी ये मे बी दीज आर दी एस्पेक्ट टू वर्क ऑन हुंडई और किया के लिए। पर एक बात है ना कि वो सब, जब वो लोग ये फीचर्स लेके आते हैं तो कॉम्पिटिटर्स पे कुछ तो प्रेशर बनता है कि ये करना पड़ेगा यार। सबसे जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ब्रेजा, मारुति जो थी ब्रेजा, उसमें सनरूफ नहीं थी, उसमें रियर एसी नहीं था,
बट कंपटीशन में आया तो ब्रेजा ने भी ऑफर करना शुरू किया इन्होंने एसी भी। धीरे धीरे चेंज किया। शुरू में एक टाइम था जब कस्टमर्स बोल रहे थे इंडिया में, सोचते थे इस तरीके से कि सनरूफ ठीक है, डस्ट होती है, ये है वो है, फलाना ढिकाना, कौन निकलेगा इसमें से कोई, ठीक है। और फिर कुछ गाड़ियों में जब सनरूफ आने लगा, लोगों ने एक्सपीरियंस लेना शुरू करा, तब लोग चलती गाड़ी में बाहर निकलने लगे सनरूफ में से, तो उन्हें धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे ख्याल से धीरे धीरे उनको ट्रिगर्स हो गए दिमाग में ना, कि सनरूफ जो है ना इट वो इज समथिंग, सबकॉन्शियस लेवल पे ना एक स्टेटस सिंबल बन गया। वही कि इट इज समथिंग। मतलब अभी भी लोग बोलते हैं कि सनरूफ वाली गाड़ी हो गई तो इट्स यू हैव डन गुड, इवन इफ आप उसको पूरा नहीं खोल रहे, अगर आप ग्लास नहीं हटा रहे तो भी जो सनलाइट आपके रूम में आ रही है केबिन में, उससे काफी एयरी फीलिंग आती है, काफी स्पेशियस फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है वो। ही लग्जरी फील आती है उससे। वही, और वो जब वेन्यू लेके आई तो मेरे ख्याल वेन्यू या फिर बाकी गाड़ी में भी आया था उस टाइम पे अपनी अपनी सेगमेंट्स की, हुंडई में, तो इन्होंने इसको नॉर्मल बना दिया। अब तो i20 में भी है, हैचबैक में और किसी में है ही नहीं उस रेंज की, आई ये डोंट थिंक तो है हुंडई का। हुंडई जो काम ऐसा करती है, मतलब कि उनके कस्टमर्स उस हिसाब से भी ट्रेंड है, फिर उनकी उम्मीदें उस तरीके से हैं कि उन्हें इंजन से पहले उन्हें ये चीज चाहिए, पेट्रोल इंजन तो जैसा भी है उन्हें पहले चाहिए कि फील गुड फैक्टर कैसा है, कि अंदर गाड़ी में कितना ज्यादा आपको, मतलब कितना ज्यादा अच्छा लग सकता है। ऑल्दो होंडा सिटी लग्जरी देगी, बट वेन्यू में अंदर कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, आईएमटी भी आएगा, टर्बो भी दे देगी होंडा, हुंडई तो और वेन्यू का प्राइसिंग इस मॉडल जो है इसका आई थिंक 850 के अराउंड है अभी एक्स शोरूम, और ऑन रोड पड़ जाएगा वही कितना 9.5-10 आई एज्यूम। और टॉप वेरिएंट अगर देखें इसका जो कि डीजल में है, बट एक चीज है, इन्होंने डीजल में इस बार ऑटोमेटिक दिया ही नहीं है, डीजल ने अच्छा, मैनुअली है। तो हाँ डीजल जो है वो है टॉप स्पेक। हाँ डीजल टॉप पे है, 1490 या 1485 कुछ होगा इसका एक मैं शोरूम एक्सपेक्ट कर प्राइस, रहा था कि इसका टर्बो है वो टॉप स्पेक होगा। बट टर्बो 1 लीटर इंजन है ना, टर्बो 1.2 में नहीं है, पेट्रोल में दो ऑप्शन है, 1 लीटर टर्बो या फिर 1.2 लीटर नेचुरल, और टर्बो में है डीसीटी और आईएमटी, बट मतलब पेट्रोल में तो है बट डीजल में ऑटोमेटिक नहीं दिया इन्होंने इस बार, डीजल में तो इनका जो टॉप मैनुअल मॉडल इंजन। है इसका, इसका जो टॉप स्पेक है वो 14.94। 8.5 या फिर 90 के अराउंड होगा हाँ, एक्स तो वो शोरूम, इजीली 16 तक जाएगा ऑन रोड। वो 16 तक जाएगा, बट मेन बात ये है ना कि वो सारे फीचर्स अगर आपको पेट्रोल में चाहिए, जनरली लोग वेन्यू भले एसयूवी कैटेगरी में आती है थोड़ी, बट हमें पता है वैसी उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि पेट्रोल पे ना चल पाए अच्छे से, तो हाँ, पेट्रोल पे तो पेट्रोल पे अच्छी इजीली परफॉर्मेंस चलती देती है, ऊपर से टर्बो भी है, टर्बो नहीं भी लोगे 1.2 लीटर तो है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत है। किसी को सिर्फ डिफरेंस आ कंफर्ट चाहिए, जाएगा। फीचर चाहिए, हाँ जिसको हाँ परफॉर्मेंस से हाँ इतना मतलब नहीं है, तो वो कंसिडर कर सकता है नेचुरली बहुत एस्पिरेटेड लोग लेते हैं गाड़ी। यार, और बहुत लोगों को पसंद है, मतलब लेते हैं ही हाँ, हुंडई की जिनको गाड़ियां लाइट पेट्रोल में। चलाना होता है, जिनको कोई वो शो ऑफ नहीं करना कि हमारी बहुत पावरफुल कार है, तो उनके लिए एक नेचुरली एस्पिरेटेड इनफैक्ट अच्छा ऑप्शन है। अगर टर्बो भी लेंगे तो भी पार तो मतलब 1 लीटर के हिसाब से तो पार अच्छी खासी मिल जाएगी, बट वो जो आवाज करेगी ना उसके बाद जो हाँ, बट वही है कि टर्बो रिलेटेड पावर तो मिलेगी, बट ट्रेड ऑफ है ना बिटवीन पावर एंड रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी भी है, ऊपर से इसलिए माइलेज भी जाएगी आपकी, और सबसे बड़ी बात जो आप केबिन माइलेज के अंदर जो आपको इंजन की साउंड जाएंगी वो भी मुझे काफी लगता है कि थोड़ी कम जाएगी। आए, अगर बट हाँ आवाज ठीक है, आए स्पोर्टी भी तो थोड़ी स्पोर्टी आवाज होनी चाहिए ना, आवाज हो तो वो तो और बात है, और बट अच्छा वो लगता है। बट जब अगर जब आपको ऐसा लग रहा वो है कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है, इंजन स्ट्रगल एक कर रहा है ग्रंट होती है कि वही, स्ट्रगल वाला, वैसे अगर आए तो फिर वो सबको मजा नहीं पता है आता। हमें, और वो हम सबको पता है कैसी होती है वो आवाज, और वो हम सुनते हैं तो हमें लगता है यार गियर चेंज कर दो, या 5वें के ऊपर गियर नहीं है क्या, 6ठे के ऊपर गियर नहीं है क्या, एक्सेलरेशन छोड़ दो। एक्सेलरेशन ही छोड़ दो यार फिर। हाँ ठीक है, तो वो चीज है, बट हाँ मतलब अगर पेट्रोल में देखें इसका नेचुरली एक्सपेक्टेड इंजन जो है उस वेरियंट में टॉप मॉडल इसका है आई थिंक 12.7 या 8 के अराउंड होगा एक्स शोरूम टॉप मॉडल, उसमें सब फीचर्स मिल ही जाएंगे आपको एनीवे, सारे फीचर्स होंगे।
तो 14.25 लाख, आई थिंक 14 या 14.25 लाख तक, एवरेज में भी 14.5 तक भी मिल जाएंगी, मतलब मिल जाएगी वेन्यू आपको, और उसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, बाकी तो फिर सब कुछ था ही उसमें पहले से, एयर प्योरीफायर अब उसमें इनबिल्ट है, वो अच्छी चीज है, तो इट्स अ गुड डील। बाकी देखते हैं, करेंगे बात और भी अगली वीडियो में, हाँ अभी के लिए तो हुंडई वेन्यू इज अ गुड गुड थिंग, आई मीन जो ये फीचर्स लेके आ रहे हैं, इट्स लाइक हैट्स ऑफ जो हमेशा से लेके आई है अगर हुंडई। मुझे याद है बहुत, कितने कितने शायद 15 साल हो गए होंगे, 15 मे बी 14 15 16 साल कुछ हो गए होंगे, मेरे ताऊजी ने ली थी एक्सेंट GLS टोर्नेडो, ये मॉडल था उसका, मुझे नहीं पता वो टॉप था या क्या था उस टाइम पे, तो आई डिडंट नो सो मच, बट उन्होंने दिखाया कि कैसे सीट पे, ड्राइवर सीट पे बैठ के मिरर्स एडजस्ट हो रहे हैं सारे, और कैसे वो फोल्ड, ऑटो फोल्डिंग है, मतलब आप अंदर बैठ के उसको खोल सकते हो बंद कर सकते हो, हाँ, उस और टाइम कैसे पे मैकेनिकल उसकी वर्क करते हैं। उसकी की में ही इतने सारे फीचर्स थे, और मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि कोई बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठ गए, अब फिर जब बड़े हुए तो पता लगा एक्सेंट थी क्या, इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं थी वो, इसी वजह से हमारे पास अभी बहुत सारे फीचर्स हैं आगे। अगर मुझे खरीदनी हो होंडा ह्यूंडई वेन्यू, तो मैं तो उसी वेरिएंट के साथ जाऊंगा जो नेचुरली एस्पिरेटेड ऑफर कर रहा है, वन पेट्रोल पॉइंट टू इंजन, है, 1.2 लीटर वो पेट्रोल वैल्यू इंजन है, फॉर मनी है, और टर्बो तो माइलेज यार भी। रिलायबिलिटी का पता नहीं है ना ऊपर से, अगर आप वेन्यू में जा रहे हो तो आप इस रेंज फीचर्स में के लिए। परफॉर्मेंस के लिए तो फिर यार 1 लीटर टर्बो अगर लेना है इंसान को, इस रेंज में परफॉर्मेंस चाहिए और टर्बो चाहिए 1 लीटर, तो फिर तो वर्चस है, स्लाविया है, उनसे क्या कंपैरिजन, हाँ उनसे कंपैरिजन बस ये है एयर प्योरीफायर और ये अपनी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, क्योंकि उनके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं स्लाविया हाँ वर्चस में। ओके लेट्स कंक्लूड दिस अभी, और करेंगे फिर बात अपनी फोर्थ पॉडकास्ट में नेक्स्ट वीक। या